विदिशा के नगर पठारी में शुरू होने जा रहे श्रीमद् भागवत कथा के लिए पहले दिन गुरुओं के सानिध्य में विधि विधान के साथ वेदी पूजन किया गया। तत्पश्चात कथा स्थल से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। वहीं महिलाएं मंगल कलश सिर पर धारण कर प्रभु का गुणगान करते हुए चल रही थी। कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। कथा व्यास श्री मुरारी लाल जी शास्त्री महाराज द्वारा कहा है कि श्रीमद् भागवत के अनुसरण से भक्तों का कल्याण होता है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। आप सभी इस सौभाग्य को ना छोड़े। कलश यात्रा में क्षेत्र एवं नगर के सभी श्रद्धालु गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।